रेडी सर, सदन में जिस तरह से विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार उन पर जासूसी करने का काम कर रहा है, ड्रोन उड़ाए जा रहा है सरकारी आवास के बाद, क्या कहना चाहेंगे सर? सदन के अंदर मैंने अपना वक्तव्य दे दिया और सदन के अंदर जब वक्तव्य दिया जाता है सही मायने में वो सच्चाई होती है। किसी प्रकार का पुलिस विभाग द्वारा कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया गया और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर जी को सनसनी फैलाने की आदत सी बनी है, आप देख रहे हैं कि हर बात पर हम अभी बोलने को शुरू ही होते हैं और वो उठ खड़े होते हैं और बार बार कह रहे हैं कि मेरे घर की खिड़कियों के इर्द गिर्द ड्रोन गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस प्रकार की किसी भी जासूसी की कार्रवाई को कभी भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं और किसी भी प्रकार से इसको अमलीजामा नहीं पहनाया जा रहा है। जो ड्रोन उड़ाया जा रहा है वो जो एसजे पीनल वाले एक मैपिंग जीआई मैपिंग सर्वे कर रहे हैं वो तो सारे शिमला में उड़ रहे हैं, क्यों हम उनकी जासूसी करेंगे? वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बात कही, हमने उस बारे में कहा है कि अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और जो इंक्वायरी हो सकती है मैं पता करूंगा कि क्यों हो रहा है। लेकिन इस प्रकार सनसनी फैलाकर फिर वॉकआउट करना हर छोटी बात पर, ये अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर आधारित चर्चा करनी चाहिए, मुद्दों पर आधारित चर्चा करते नहीं है, हर दो मिनट बाद उठकर चले जाते हैं, हर दो मिनट बाद वॉकआउट करना चाहते हैं। अब तो स्पीकर साहब ने ये व्यवस्था दे दी है और कुछ अखबार और कुछ मीडिया ने गलत चलाया, क्योंकि जब कोई विपक्ष का विधायक अंदर बैठा होता है वॉकआउट नहीं होता है, वो प्रोटेस्ट होता है। तो वो जैसे कि हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी ने ये बात उठाई है, तो निश्चित तौर पर वॉकआउट करके वो ध्यान बांटना चाहते हैं। लेकिन किस मुद्दे पर वॉकआउट कर रहे हैं? शराब में सबसे बड़ा घोटाला इनके समय का हुआ, आज सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि जो तो हमने कहा कि जहां पैसे की बात आएगी तो उसमें आप बताइए, अटल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी गई और जिसकी जगह पर बनाएगी उससे पूछा ही नहीं, वो जगह हालांकि सरकार की पाई गई है, उसमें रजिस्ट्री के बाद उसका इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन उस केस को भी ढंग से नहीं सरकार ने लड़ा। प्रदेश का जो इन्वेस्टमेंट है वो ड्रेन करने का काम कर रहे हैं। बिजली के प्रोजेक्टों के मामले में मैंने कहा कि धौलासिंह लूरी और हमारा सुन्नी जो पावर प्रोजेक्ट है जिसमें लूरी में 4% स्टैगर करके 4% हमें 10 साल बाद मिलेगी और 11 साल से 26 साल के बीच में 8% मिलेगी, 26 से 40 साल के बीच में 12% मिलेगी और जब तक वो प्रोजेक्ट जिंदा रहेगा यानी कि जब तक प्रोजेक्ट वो चलता रहेगा तब उसके बाद 25% मिलेगी और जीएसटी 50% कंपनसेशन हमको देना पड़ेगा और लाडा उसमें कोई नहीं लगाया। ये तो लूरी प्रोजेक्ट के हाल है, धौलासिंह प्रोजेक्ट में ही है। इनके समय जो प्रदेश की इन्वेस्टमेंट है उसको ड्रेन हुआ है, प्रदेश की संपदा को लुटा दिया गया है, हमारी सरकार उसमें प्रयास कर रही है। इसीलिए आज जो केवल पठानी जी ने सवाल पूछा इसलिए मैंने उसका विस्तृत उत्तर भी दिया है। अब सर आपने कहा कि आज मैं आपको हमारे पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी का भी जन्मदिन है, अभी इनका हमने केक काटा है और बताइए सर, शिरोमणि अकाली दल के उस बारे में पता नहीं क्या सर, आपने कहा कि ईडी और सीबीआई को लेटर लिखेंगे आप उसको लेकर जो ड्रोन हिमाचल पुलिस आराम से को हिमाचल पुलिस ने तो जासूसी करवाई नहीं है जी, ना किसी ने ऑर्डर दिए है। अब हमने कहा कि सेंट्रल एजेंसियां तो नहीं बगैर परमिशन के कर रही है, तो उनकी सेंट्रल एजेंसी है, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, लेकिन वो भी कोई सरकार की अनुमति के बगैर नहीं करवाती है। तो ये सनसनी